मच्छरों के काटने से कैसे बचें? बरसाती मौसम में जब चारों तरफ मच्छर होते हैं तो मच्छरों का डंक हमें बड़ा अंदर तक महसूस होता है और बड़ी जलन होती है, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। साइंटिस्ट ने रिसर्च लैब में प्रूव किया है कि हमारी बॉडी के चारों तरफ का ऑरा होता है वो डिसाइड करता है कि हमें मच्छर काटेंगे या नहीं काटेंगे। हमारी बॉडी के चारों तरफ 50 मीटर की दूरी तक वही गैसेज निकलती हैं जो कि हमने खाना खाया होता है। अगर हमने खाने में ज़्यादा चीनी खाई होगी, ज़्यादा नमक लिया होगा, ज़्यादा ट्रांसफैट लिया होगा, बीड़ी शराब सिगरेट पी होगी, सिंथेटिक चीज़ें खाई होंगी, सिंथेटिक जूस पिए होंगे, तो हमारी बॉडी में से 300 तरह के केमिकल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स और गैसेस, वोलेटाइल गैसेस निकलती रहती हैं जिससे कि मच्छर बड़ी दूर से खींचे हुए आते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। उसे बचने के लिए हम नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें, सिंथेटिक चीज़ का उपयोग ना करें। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि अगर हम कड़वा खाना खाएंगे तो मच्छर हमसे कोसों दूर रहेंगे। एक तो मीठे नीम के पत्ते ये ले लें, कड़वे नीम के पत्ते ले लें, निबोली ले लें। दूसरा, नीम का ही तेल हम इसमें भी भर सकते हैं, रिफिल में भर सकते हैं जिससे कि हमें नुकसान ना हो। और फिर अगर कभी सफ़र में जाना पड़े, हम गाड़ी में जा रहे हैं या फिर हम कहीं हमें ठहरना पड़ गया अचानक, तो उसमें नीम के ही बने हुए ऑइंटमेंट भी आते हैं, हर्बल ऑइंटमेंट आते हैं जो हम अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। बाकी पूरा सुबह शाम हम फुल स्लीव्स के पतले कपड़े पहने जिससे कि फायदा रहेगा। एक मच्छरदानी का उपयोग करें। मेरे तो पापा भी बैठे हैं, पापा भी पिछले 50-60 साल से मच्छरदानी का उपयोग करते रहे जिससे कि मैंने भी सीखा ये चीज और हमने इसका फायदा उठाया। हम लोग घर में बिल्कुल भी केमिकल्स का उपयोग नहीं करते और मच्छरदानी के उपयोग से बचे रहते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करना बड़ा आसान है। मैंने तो एक लाइव सेशन भी किया था कि दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम ये देखिए, यह है बेडरूम जो कि 15 सेकंड में तैयार हो जाता है। वैसे तो 3 ही सेकंड लगते हैं इसको फोल्ड करने में, 3 सेकंड में ये फोल्ड हो गया, 3 सेकंड में बनके तैयार हो गया। इसे जहां मर्जी या तो बालकनी में बिछा लो या ऊपर की छत में। देखिए कितनी प्यारी हवा है, ग्रीनरी है चारों तरफ, इधर भी ग्रीनरी है, इधर भी ग्रीनरी है। आराम से हम लोग यहाँ पे सोते हैं और आराम से मच्छरों से बचे रहते हैं। आजकल चतुर्मास में मैं एक टाइम खाना खाता हूँ तो यहाँ पे 5-7-10 मच्छर होते हैं इसके ऊपर बैठे हुए, और जब मैं 2 टाइम खाना खाता था तो लगभग 40-50 मच्छर होते थे। तो इसलिए अगर हम खाना थोड़ा सा कम लें और कड़वा खाना खाएं तो मच्छर कोसों दूर रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जैसे हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया ऐसा, तो आप भी इसको अनुभव करें और इसका फ़ायदा उठाएं जिससे कि मच्छर ना काटें। अदरवाइज बड़े सारे केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर कई बार इससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तरह तरह के बुखार होते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं और कई बार हॉस्पिटल में एडमिशन की नौबत आती है, ड्रिप लगानी पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सूझबूझ से अपने खान पान को ठीक करके अगर वो रहें। दूसरा ये भी है कि सुबह योग करें, योग करने से भी हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और ज़्यादा टॉक्सिन्स फिर हमारी बॉडी में नहीं रहते तो मच्छर हमारी तरफ अट्रैक्ट। बच्चों को भी बताएं, खुद भी ध्यान रखें कि खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, बेकरी के प्रोडक्ट्स, बासी चीज़ें ये ज़्यादा ना हो और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ना हो और फिर स्टोर्ड फूड ना हो, कोई भी स्टोर्ड फूड ना हो खाने में, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ना उपयोग करें। जितना फ्रेश ताज़ा खाना, लंगर जैसा, भंडारे जैसा ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाएं, फिर नहीं मच्छरों, क्योंकि वो खाना पूरी तरह से बर्न हो जाता है और जो खाना बासी खाना है या जो ज़्यादा एसिडिटी वाला खाना है वो हमारी बॉडी में रहता है और उससे फिर मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए सिंपल ताज़ा खाना खाएं, उसको 100% बर्न करें और आउटडोर एक्टिविटी अच्छी खासी रखें सुबह शाम की, जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी, बॉडी डिटॉक्स रहे, इसलिए मच्छर आपसे दूर रहेंगे। थैंक यू।